भगवान पार्श्वनाथ की कमट उपसर्ग तप एवं केवल्य ज्ञान कल्याणक भूमि श्री अहिच्छत्र के मुख्य मंदिर में 20 से 24 मई 2023 तक किया जाएगा श्री कल्याण मंदिर विधान का भव्य आयोजन। परम पूज्या आर्य रत्न श्री सृष्टिभूषण माता जी से संघ के पावन सानिध्य में होने वाले इस अनुष्ठान में भक्तों को मिलेगा 20 मई को भजन संध्या एवं महा आरती के साथ साथ विभिन्न मांगलिक क्रियाओं को करने का सौभाग्य। तो आप भी सब परिवार महा महोत्सव में पधार कर अनुष्ठान में सहभागिता करते हुए मंदिर जी की मुख्य वेदी में स्वर्ण लगाने का पुण्य संचय अवश्य करें। सौधर्म इंद्र एवं मंडल बुक कराने की राशि मात्र 5100 रुपए। धोती दुपट्टा एवं कलश की व्यवस्था साथ में रहेगी। सामान्य इंद्र इंद्राणी बनने के लिए कोई राशि नहीं, तो देर किस बात की है। आप भी निम्नलिखित खाता संख्या में दान राशि जमा कर पाए पुण्य अर्जन करने का सौभाग्य। श्री अहिच्छत्र पार्श्वनाथ अतिशय तीर्थ क्षेत्र दिगंबर जैन मंदिर पंजाब नेशनल बैंक शाखा रामनगर आंवला बरेली। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार उपकरण ज्ञान औषध करुणा जैसे महान कार्य में सराहनीय सहयोगी पुण्यार्चक परिवार श्री ऋषभ कुमार जी श्रीमती निशा पुत्री कुमारी रश्मि एवं समस्त लोहाड़िया परिवार कोटा राजस्थान श्री विनय कुमार जैन श्रीमती कुमकुम जैन आदित्य जैन नुपुर जैन एवं बेबी मौली जैन फरीदाबाद हरियाणा सीए परितोष जैन सुषमा जैन श्वेता जैन नमन शिल्पी सौरभ काशवी अधरित कृतिका एवं अनुज जैन नई दिल्ली श्री सुनील जैन श्रीमती शिक्षा जैन स्वप्निल जैन अंशुमा जैन एवं विपुल जैन परिवार कैलिफोर्निया यूएसए श्री संजय जैन श्रीमती नीलम जैन पुत्री तनीषा जैन निमिषा जैन पुष्पांजलि पीतमपुरा। इसलिए नरक नहीं गया कि कोई सोचे पर स्त्री लंपट बहुत राजा मधु आदि हुए उनकी इतनी बड़ी दुर्गति नहीं हुई, लेकिन साधु के भेष में पाप किया इसलिए दुर्गति हुई। हम ये सोचे यदि हम ऊँचे स्थान पर बैठे, आप जैन हैं ब्राह्मण हैं वैश्य हैं, तो कम से कम ऐसे कृत्य मित कीजिए जिन कृत्यों से इंसानियत शर्मसार हो जाए। राम राम जपता रहता है और गालियां भी दे लेता है, नकली बांट भी रख लेता है, बेईमानी भी कर लेता है, मिलावट भी कर लेता है, ये कैसा उसका धंधा है, ये धर्म होता है क्या? ये परमात्मा को धोखा नहीं दिया, खुद को धोखा दिया है। जो समझते स्वयं को सबसे बड़े हैं, जो समझते स्वयं को सबसे बड़े हैं, वे धर्म से बहुत दूर अभी खड़े हैं। व्यक्तित्व को अहम को मद को मिटा दे, तू भी सको सहज से प्रभु से मिला दे। देखो नदी जब स्वयं को मिटाती खोती, तभी अमित सागर रूप पाते। आज हम मंदिरों में आते हैं, हमारी मर्यादा नहीं है भगवान के दर्शन करने की। आपने देखा गुरुद्वारा में हो मस्जिद में हो कुछ सीमाएं हैं कि आपको इस वस्त्रों में जाना है। हमारे जैन समाज में कोई मर्यादा नहीं है, कच्चे बनियान में भी चले आते हैं, यहाँ तक कि लड़कियाँ भी चली आती हैं। मैं कहती हूँ सब लोग सर ढक कर आइए। कहते हैं ये शहंशाह शाह का दरबार है और यहाँ वा दवाना हर शख्स को दरकार है। ये तीन लोग के नाथ का दरबार है। आप जितने विनय से आएंगे, जितनी मर्यादा से आएंगे, जितने नम्रभूत होकर जाएंगे, उतना पुण्य तुम्हें अपने आप मिल जाएगा। आप यदि मंदिर में कलुषित भावों से आएंगे, किसी को गिरावट की भावना से आएंगे, तो ध्यान रखना, भावनाओं से रावण ने विद्या तो सिद्ध कर ली थी, लेकिन रावण की विद्या उसे काम जैसी आना चाहिए, बहुरूपणी विद्या तो सिद्ध हो गई थी लेकिन सत्ता की सिद्धि नहीं हुई। माना कि सब कुछ था लेकिन कौन बचाने आया? जब पाप कर्म का उदय आता है तो कोई बचाने नहीं आता है। इसीलिए हमारे आचार्य सन्मत सागर जी ने बहुत सुंदर बात कही है, जब तक तेरे पुण्य का वीता नहीं करार, जब तक तेरे पुण्य का वीता नहीं करार, तब तक तुझको माफ़ है औगुण करो हजार। आदमी सोचता हमने दुनिया को बेवकूफ़ बना लिया, किसी को ठग लिया, किसी के पैसा रख लिया। अरे तुम पैसा तो रख सकते हो लेकिन बीमारियां भी साथ रख लो, बददुआएं भी साथ रख लोगे, वो पैसा तुम्हारी नस नस से निकल जाएगा, क्योंकि पुण्य की जड़ पाताल और पाप की जड़ अस्पताल। यदि आ भी जाता है तो उसी रास्ते से निकल भी जाता है। आप ध्यान रखना, अपने पुण्य को बढ़ाना है तो सहजता लाओ, सरलता लाओ, करुणा लाओ, प्रेम लाओ, वात्सल्य लाओ, ईर्षा द्वेष कलेश क्रोध सब मिटाओ।
लेकिन आज आदमी दिन भर तवे तपे की तरह रहता है, और तपे हुए तवे की तरह रहता है जो कि कभी भी कुछ बोल के तो देखे कोई आवाज़ ही आएगी, पानी को जला देगा। हम हर समय अपने परिणामों को कसायों से, विकृत भावों से, जो गलत भाव होते हैं उनके लिए हम आज कर लेते हैं। आपने सोचा कि क्रोध आ रहा तो किसी दिन और कर लेंगे, आज नहीं करता हूँ। आपने सोचा कि अहंकार आ रहा है, आज नहीं करता हूँ कल कर लूँगा। लोभ आ रहा है, आज नहीं कल कर लूँगा। अरे आप सोचते तो विचार बनाते हो लेकिन कर जाते हो, क्योंकि तुम्हारी जन्म जन्मांतर की आदतें पड़ी हैं, एक बार का नहीं है, बहुत जन्मों जन्मों की तुम्हारी आदत पड़ी है, लोभ कसाई की, मान की, माया की, क्रोध की। जरा सी निमित्त मिलते ही तुम्हारे अंदर से वही चीज़ें आ जाती हैं, क्योंकि तुम भीड़ में पैदा होते हो, भीड़ तुम्हें अभिमान सिखाती है। जितनी भीड़ होती है उतना तुम्हारा अभिमान बढ़ जाता है। पैदा होते तब भीड़ मिलती है, फिर जवान होते तो बारात में भीड़ मिलती है, दोस्तों की भीड़ मिलती है, मरने पर भीड़ आती है, और यही भीड़ तुम्हें एक दिन जला कर आ जाती है, और भीड़ में रहते रहते तुम भेड़ हो जाते हो, क्योंकि भीड़ तो गलत काम करती है। अच्छे कामों के लिए तो बहुत कम लोगों का पुरुषार्थ होता है। जिस प्रकार से कोई एक आँच चना निकल कर बाहर जाता है, इसी प्रकार से दुनिया में कोई बिरले महापुरुष होते हैं जो कि संकटों में भी अपने आत्मगुणों से वंचित नहीं होते हैं, अपने आप को पापों में नहीं लगाते हैं। रावण ने कितना प्रलोभन दिया था कि तुम मेरी पटरानी बन जाओ, द्रौपदी को पद्मनाभ ने प्रलोभन दिया था पटरानी बन जाओ, लेकिन उसे पता था कि ये पद सत्ताएं तो कुछ दिन की हैं, लेकिन जो अपने आत्मगुण हैं, सील संयम आदि, ये हमारे स्थाई गुण, यही सच्चा सौंदर्य है। आपने देखा द्रौपदी का चीरहरण हुआ, तब पांडव जैसे, भीष्म पितामह जैसे कुछ नहीं कर पाए, लेकिन जब परमेश्वरी के ध्यान में डूबी तो चीर भी बढ़ गया। अग्नि का नीर हुआ वही राम जो सीता को लंका जैसों पर विजय प्राप्त करके लाए थे, रावण जैसे बलशाली को मार कर लाए थे, क्योंकि वहाँ पर था कि अपनी सीता के लाना है। लेकिन उसी सीता को पाप का उदय जब आया तो एक धोबी के कहने से छुड़वा दिया, और धोखे से छुड़वा दिया, और जंगल में छुड़वा दिया, अकेले छुड़वा दिया। लेकिन जो पुण्यात्मा धर्मात्मा होता है उसकी जंगल में देवता भी रक्षा किया करते हैं, और सीता ने अपने बच्चों को जंगल में वो पुण्य के संस्कार डाले कि तद्व मोक्षगामी जीव हो गए। पारसनाथ ने आद जलों को, नाग नागनी को नमोकार मंत्र सुनाया, आप अपने पलों को यानी अपने बच्चों को जो तुमने जन्म दिया है उनके अंदर धर्म का जन्म नहीं कर पाते हो, उनके अंदर वो संस्कार नहीं डाल पाते हो जो उन्हें काम आए, उनके जीवन में जीने की कला सिखाएं। आपने सिर्फ जीने की कला के नाम पर पेट भरने की, धन तिजोरियां भरने की कला सिखाई है, अपने बच्चों को पुण्य से भरने की कला सिखाओ। और पुण्य की कला यही है, बचपन से हमारे जितने नकारात्मक शक्तियां हैं उन्हें मत बढ़ने दो। आप कहते हो क्रोध को छोड़ो, कैसे छोड़ोगे, जन्म जन्मांतर के संबंध है, तुमसे कोई जरा सी बात कहेगा तुम्हें क्रोध ही आएगा। क्षमा तो लानी पड़ेगी, क्षमा कब लानी पड़ेगी, जब तुम्हें पता चल जाए कि इस क्रोध से क्या हुआ, इतना करके देखा कौन सी उपलब्धि हुई, इतना करके देखा क्या मिला। जिस दिन तुम्हारे ये भाव आ जाएंगे उस दिन क्रोध विलय हो जाएगा, क्रोध आएगा नहीं, क्योंकि क्रोध इंसान को शैतान बना देता है, क्रोध इंसान को शैतान बना देता है, और अच्छे भले जीवन को कहते हैं खाक बना देता है। और क्रोध में संभल जाए व्यक्ति तो क्षमा तो उसे भगवान बना देती है। तो हमें भगवान बनना है, सबको हरा भरा रहने दो ये जीवन का सार है, सबको हरा भरा रहने दो ये जीवन का सार है। और दो शब्दों में जीत है भैया, दो शब्दों में हार है। सबको हरा भरा रहने दो यानी सबको जीवन में खुशी से जीने दो और जियो। आज हमें अपने
दुख से ज़्यादा दूसरों का सुख करता है। हम ऐसी ज़िंदगी नहीं बनाए कि दूसरों का सुख हमें अखरे, हमें किसी का दुख अखरे। हम कहते हैं दीन दुखी जीवों पर मेरे उड़ से करुणा स्रोत बहे, कहाँ बहती है? तुम किसी भिखारी को, किसी लाचार को, किसी कोड़ी को, किसी अपाहिज को देखकर चले जाते हो, तुम्हें दो रोटी देने का भाव तक नहीं आता है। तुम किसी अपने सगे संबंधियों को भी गरीबी में देख लेते हो, कर्ज में डूबा हुआ देख लेते हो। अपने बेटों की जन्मदिन पर तुम लाखों रुपये खर्च कर देते हो होटलों में, लेकिन ये नहीं सोचते हो कि उसके घर भी कुछ थोड़ा सा सहयोग कर दूँ, ताकि उसके घर भी बच्चे भूख से नहीं मरे। लेकिन आप और उस पर जले पर नमक डालते हो, और कैसे चलाएगी, अब आगे क्या करेगी? अरे सच पूछो, तुम बहुत कृपण हो कि तुम्हारे अंदर इतना दिल भी नहीं है, क्योंकि मौत सब कुछ छीनेगी। इससे अच्छा है मौत के पहले अपनी सत्ता का सदुपयोग करो, वरना चपरासी गिरी से ज़्यादा तुम धन संपत्ति के दौलत के मालिक नहीं हो। चपरासी जैसे रोज घर की सफाई करता है, ऐसे ही तुम उस घर की सफाई कर रहे हो जो ईंट चूनों का घर है उसे घर मान रहे हो। सच्चा घर तो परमात्मा का दर है, जिस घर में एक बार इंसान पहुंच जाए फिर वापस नहीं आना पड़ता है। आप लोग भी चाहते हैं कि आपको सच्चा घर मिले, आप चाहते हैं कि आपको सच्चा दर मिले, आप चाहते हैं आपके जीवन में खुशियों का उपवन खिले, तो आप भी खुशियाँ बांटना शुरू कर दो। जो बांटोगे वही लौट कर आएगा। आप पत्थर फेंकते हो तो पत्थर लौट कर आता है, और फूल फेंकते हो तो फूल लौट कर आता है। आप जो दोगे वही मिलेगा, तो आज से खुशियाँ देना प्रारंभ कर दो। ये मत सोचो, खुशियाँ और पुण्य का उसूल होता है, जितना दो उतना बढ़ जाता है, तो पाप भी जितना बांटोगे उतना बढ़ जाएगा। इसलिए आप देखो कि आपको पाप बांटना है, पुण्य बांटना है, आपको खुशियाँ बांटना है, दुख बांटना है, क्योंकि लौट कर सब यहीं आ जाता है। तो आज से हमारे जीवन में संकल्प लें, हम दृढ़ संकल्प लें कि अपने जीवन में एक भी नकारात्मक अवगुण को अपने अंदर नहीं आने देंगे, सकारात्मक ऊर्जा बनाएंगे। अपने जीवन की सारी ऊर्जा, भोजन खाते उससे भी ऊर्जा बनती है, पानी पीते हो उससे भी ऊर्जा बनती है, सूरज भी ऊर्जा देता है। जब सब कोई तुम्हें सब कुछ देता है तो तुम क्यों नहीं देते हो? तुम देना है तो खुशियाँ दो, किसी को दुख मत दो। देना है तो जीवन में प्रेम दो, घृणा मत दो। देना है तो अलोभ दो, लोभ मत दो। आप सबका जीवन खुशियों से भरे, मेरा यही सुभाष। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार उपकरण ज्ञान औषध करुणा जैसे महान कार्य में सराहनीय सहयोगी पुण्यार्चक परिवार श्रीमती शशि जैन सूर्य निकेतन दिल्ली, श्री राजकुमार जी, श्रीमती किरण देवी सेठी जी परिवार सीकर वाले रत्नापुरी जयपुर, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधु श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन, पौत्र एवं पौत्रवधु श्री विवेक जैन, श्रीमती पालजी जैन, गौरव जैन, श्रुति जैन, प्रपौत्र एवं प्रपौत्री आर्जव जैन, प्रयान जैन, दृशिका, लाइशा सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, शालीमार बाग दिल्ली, श्री अनिल जैन, श्रीमती राशि जैन, अंकित जैन, श्रीमती प्रियंका जैन, व्यान, सानवी, पुत्री चीना, तुषार, कृष, निवासी मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश। भगवान पार्श्वनाथ की कमट उपसर्ग तप एवं केवल्य ज्ञान कल्याणक भूमि श्री अहित छत्र के मुख्य मंदिर में 20 से 24 मई 2023 तक किया जाएगा श्री कल्याण मंदिर विधान का भव्य आयोजन। परम पूज्या आर्य रत्न श्री सृष्टि भूषण माता जी से संघ के पावन सानिध्य में होने वाले इस अनुष्ठान में भक्तों को मिलेगा 20 मई को भजन संध्या एवं महा आरती के साथ साथ विभिन्न मांगलिक क्रियाओं को करने का सौभाग्य। तो आप भी सब परिवार महा महोत्सव में पधार कर अनुष्ठान में सहभागिता करते हुए मंदिर जी की मुख्य में स्वर्ण लगाने का पुण्य संचय अवश्य करें। सौधर्म इंद्र एवं मंडल बुक कराने की राशि मात्र 5100 रूपए। धोती दुपट्टा एवं कलश की व्यवस्था साथ में रहेगी। सामान्य इंद्र इंद्राणी बनने के लिए कोई राशि नहीं, तो देर किस बात की है? आप भी निम्नलिखित खाता संख्या में दान राशि जमा कर पाए पुण्य अर्जन करने का सौभाग्य। श्री अहित छत्र पार्श्वनाथ अतिशय तीर्थ क्षेत्र दिगम्बर जैन मंदिर, पंजाब नेशनल बैंक शाखा, रामनगर, आंवला, बरेली।